नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। पिछले वित्त वर्ष में आरएसपी की सृजनी पुरस्कार योजना ने 9.97 करोड़ रुपए की एकमुश्त बचत अर्जित करने में मदद की है। रौरकेला स्टील प्लांट के सेल हॉकी अकादमी के लिए कैडेटों का चयन। और रज, ईद और सप्ताह के अंत में लगभग 25,000 लोग इंदिरा गांधी पार्क घूमने पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सृजनी सृजनात्मक योजना में 2017-18 में रौरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के लिए 9.97 करोड़ रुपए की एकमुश्त की बचत की है, जबकि आवर्ती लाभ 12.76 करोड़ रुपए था। पिछले वित्त वर्ष में विभिन्न विभागों के वर्ष के दौरान कुल 12,711 सृजनात्मक सुझाव प्राप्त हुए। इस अवधि के दौरान कुल 41 सृजनी मेला और 47 सृजनी पुरस्कार समारोह आयोजित किए गए। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के दौरान 6,548 सुझावों के लिए प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 4,168 पहले से ही कार्यान्वित किए जा चुके हैं। पुरस्कार विजेताओं को 10,71,900 रुपए की नगद पुरस्कार दिए गए। उल्लेखनीय है कि सृजनी सृजनात्मक पुरस्कार योजना कर्मचारियों को उनकी सृजनशील प्रतिभाओं को लागू करने और उत्पादन और उत्पादकता, अनुरक्षण उपाय, डिजाइन, पैकेजिंग सिस्टम और प्रक्रियाओं, ऊर्जा संरक्षण और लागत में कमी में सुधार से संबंधित मूल्यवान सुझावों का योगदान करने का अवसर प्रदान करती है। रौरकेला स्टील प्लांट आरएसपी द्वारा चलाई जा रही सेल हॉकी अकादमी एसएचए में कैडेटों के नामांकन हेतु चयन परीक्षण बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में 3 से 7 जून 2018 तक आयोजित किया गया। 14 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के कुल 126 युवाओं ने चयन प्रशिक्षण के प्रारंभिक दौर में भाग लिया। पहले चरण के दौरे में 81 प्रतिभागी में से 45 को चुना गया था। पहले चरण के ट्रायल राउंड के छात्रों को हॉकी प्रतिभाओं के व्यावहारिक रूप का परीक्षण किया गया था, जो स्वयं और एसएचए के साथ 12 मैच खेले। दूसरे चरण के ट्रायल राउंड में बैटरी परीक्षण एवं कौशल परीक्षण आयोजित किए गए और केवल 22 प्रतिभागी इसमें सफल हो सके। इसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट किया गया और 14 प्रतिभागियों की एक सूची तैयार की गई। कैडेटों को अब एसएचए के दायरे में मुफ्त बोर्डिंग सुविधाएं, मासिक छात्रवृत्ति, संतुलित आहार, सुसज्जित आवास, शिक्षा और जिम्नासियम सुविधा प्रदान की जाएगी। आरएसपी अस्पताल में निशुल्क चिकित्सा, स्थानीय स्कूल कॉलेज में शिक्षा के लिए सहायता, प्रशिक्षण अवधि के लिए बीमा कवरेज और साल में एक बार माता पिता अभिभावकों के दौरे के लिए बस ट्रेन किराया और कुछ सुविधाएं कैडेटों के लाभ के लिए दिए जाएंगे। रौरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के इंदिरा गांधी पार्क में रज, ईद और सप्ताह के अंत में 14 से 17 जून के बीच लगभग 25,000 लोग घूमने गए थे। इस्पात नेहरू पार्क में इन दिनों करीब 7,000 दर्शक घूमने आए। रौरकेला वासियों ने दोनों ही पार्क में अनेकों सुविधाओं का लाभ उठाया। इंदिरा गांधी पार्क की अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संगीतमय फव्वारा, जलपान बूथ और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, स्तनपायी जंतुओं से भरा चिड़ियाघर दर्शकों को लुभाता रहा, साथ ही व्यस्तता और गर्मी से राहत प्रदान किया। नेहरू पार्क अपने सुंदर प्राकृतिक दृश्य, फिटनेस पार्क, फव्वारों, बोटिंग सुविधा के साथ छोटी झील, जलपान बूथ और XD थिएटर लोगों के आकर्षण का कारण बना रहा। रज समारोह का मुख्य आकर्षण झूला था। दोनों ही पार्क में बालिकाएं झूलों का आनंद लेती हुई पाई गई। हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।